नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। देउवा सरकार द्वारा जसपा के संघीय मंत्री से बर्खास्त, चार मंत्री के हटाल गेल। मंत्री हटेबाक निर्णय के प्रभाव मधेश सरकार में सेहो पड़ल। मधेश सरकार कांग्रेस माओवादी या नेकपा के मंत्री सब हटा रहल। राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने कहित, नागरिकता विहीन द्वारा सर्वोच्च में ज्ञापन पत्र पेश। अपना के षड्यंत्र पूर्वक उम्मीदवार नहीं बनौने एमाले नेता डॉक्टर रावल के आरोप। आ नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत महिला क्रिकेट में बृहस्पति दिन एपीएफ के जीत, गंडकी 9 विकेट से। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा जनता समाजवादी पार्टी जसपा के चारिटा संघीय मंत्री सबके बर्खास्त कलक। जसपा नेकपा एमाले संग चुनावी गठबंधन केला के बाद देउवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय, वन तथा वातावरण मंत्री प्रदीप यादव, कृषि तथा पशुपक्षी मंत्री मृगेंद्र कुमार सिंह के हटौल। सत्ता गठबंधन में रहल जसपा 22 आसीन में एमाले संघ के चुनावी तालमेल के सहमति केने छल, मुदा मंत्री सब राजीनामा नहीं देने छल। सत्ता गठबंधन के नेता सब जसपा के मंत्री सब हटाव परबाक पक्ष में छलन। प्रधानमंत्री देउवा के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी चारू मंत्रालय के कार्यभार प्रधानमंत्री देउवा सम्हार जोकर तोकने अछ। श्रेष्ठ सरकार में पार्टी के नेतृत्व करैत आसीन 2078 में मंत्री बनल छलन। त इश्तियाक प्रदीप आ मृगेंद्र कुमार सिंह अखार 20 में मात्र मंत्री बनल छलन। अहिबीच संघीय सरकार से जसपा के मंत्री सब हटौला के बाद जसपा नेतृत्वक मधेश सरकार समेत अन्य पार्टी के मंत्री सबके बर्खास्त करबाक तैयारी कर रहल अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संघीय सरकार के चारिटा मंत्री सबके बर्खास्त केला के बाद मधेश सरकार के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत समेत मधेश सरकार में रहल कांग्रेस माओवादी केन्द्र आ नेकपा एस के मंत्री सबके हटेबाक तैयारी शुरू केलक अछि। मधेश सरकार के प्रवक्ता समेत रहल आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, हमरा सबके संघीय सरकार से हटाओल गेला के बाद हम सब की करब वही विषय में छलफल कर रहल आ किछु देर में आधिकारिक निर्णय होबाक जानकारी देलक। मधेश सरकार में कांग्रेस के 3 माओवादी के 2 मंत्री, एकटा राज्य मंत्री, तहिना नेकपा के 1 मंत्री सरकार में रहल अछि। कांग्रेस के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री राम सरोज यादव, महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह, खाने पानी तथा ऊर्जा मंत्री ओम प्रकाश शर्मा, माओवादी केन्द्र गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद साह, वही मंत्रालय के राज्य मंत्री रूबी कुमारी कर्ण आ कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मंत्री प्रमोद कुमार यादव तथा नेकपा के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुधर महतो के हटेबाक तैयारी कयल जा रहल अछि। नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत साफी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति के आदेश देव सर्वोच्च अदालत संग मांग कलक। अध्यक्ष साफी बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत में ज्ञापन पत्र पेश करते एहन मांग कलने। प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा से नागरिकता विधेयक पारित भक राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी समक्ष पहुँचला 23 दिन भेलो पर प्रमाणीकरण नहीं केने कहित प्रमाणीकरण के लिए आदेश देव ओ आग्रह कलने। पंद्रह दिन भीतर प्रमाणीकरण कैल जेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल पर राष्ट्रपति भंडारी ओहि अवधि में प्रमाणीकरण नहीं केने आ एखन धरि एहि विषय में कोनो किसिम के जानकारी समेत नहीं देने ओ बतौलन। नागरिकता नहीं भेला से उच्च शिक्षा, रोजगार, वैदेशिक रोजगार, बैंक खाता के संगे सिम कार्ड सेहो निकाल नहीं पाबि रहला से लाखों नागरिकता विहीन अनुरोध अनुसार प्रमाणीकरण के लेल आदेश के अपेक्षा अपना सब केने विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। निर्वाचन आयोग प्रत्यक्ष दिस के मतपत्र छपाई के प्रक्रिया शुरू कर रहा है। बृहस्पति दिन संचार माध्यम संगे बातचीत में आयोग एहन बतौलक। निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी आयोग प्रत्यक्ष दिस के मतपत्र छपाई प्रक्रिया बृहस्पति दिन से शुरू करबाक बतौलने। ओ समानुपातिक दिस के पत्र छपाई कार्यक्रम जारी रहल आ प्रत्यक्ष दिस के मतपत्र छपाई शुरू करा लागल बतौलन। संपूर्ण हेर्ने क्षेत्राधिकार चाहिँ संबंधित निर्वाचन अधिकृतलाई नै हुन्छ। होइन, सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले कोही व्यक्ति अयोग्य छ भनेर निर्णय गरिसकेका छ भने यो योग्य छ यसरी गर भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, आयोगले भन्दैन त्यो। र यदि कुनै कानुनी रूपमा उपचार खोज्न आयो भने उपचारको प्रक्रिया अर्कै हो। अब त्यो भर्खर अस्ति दिन
निर्वाचन आयुक्त भण्डारी सरकार के कोष वा सरकार के लगाड़ी रहल विभिन्न संघ संस्था निकाय सबक कोष आ रकम बुझवला व्यक्ति सब के आयोग उम्मीदवार के लिए योग्य छहर कर नहीं सकबाक बतौलने छ। नेकपा एमालेक नेता डाक्टर भीम रावल पार्टी षड्यंत्र पूर्वक अपना के उम्मीदवार नहीं बनौने आरोप लगौलकै छ। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन ककौ एहन आरोप लगौलने छ। नेता रावल अछाम से एकल नाम सिफारिश भक सिफारिश भक अपना के हराब नहीं सकला सा पार्टी द्वारा सिफारिश नहीं भेल व्यक्ति के षड्यंत्र पूर्वक स्वेच्छाचारी निर्णय कक अपना के टिकट नहीं देने हुनक कहब छलन। ओ कोनो व्यक्ति कोनो पद वा जिम्मेवारी में सब दिन नहीं रहबाक शाश्वत सत्य रहल कहित उम्मीदवार हेबाक वा नहीं हेबाक वा कोन पद में पुगबाक नहीं पुगबाक विषय के अपना प्रमुख बात नहीं सोचने दावी कलन। 4 गते हुने आम निर्वाचन में उम्मीदवार को सिफारिश चयन करना भदौ 19 गते साफेबगर अछाममा सम्पन्न नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 समन्वय समिति को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा को सदस्य को उम्मीदवार को रूप में मेरो एकमात्र नाम सर्वसम्मतिले चयन गरी सिफारिश गरिएकोमा त्यस समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उक्त निर्णय हुनु अघि निर्वाचन क्षेत्रका वडा नगर सहितका पालिका समितिहरूले नेता रावल नया के अवसर देवाक बाद पार्टी अध्यक्ष वा निकट सभक हक में लागू होबर नहीं सकल आरोप लगौलने। नेता रावल अध्यक्ष ओली प्रति कटाक्ष करत बहुमत के सरकार भेला पर आधा समय बालकोट आधा अस्पताल में समय बिताबला सब टिकट पैबाक मुदा देश आ जनता के हित के लिए आवाज उठाबला के टिकट नहीं देने कहित उपराग व्यक्त कने छलन। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल आगामी अगहन 4 गते के निर्वाचन के बाद पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार बनाब के विकल्प नहीं रहल बतौलने। रूपंदेही क्षेत्र नंबर 2 के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार समेत रहल उपाध्यक्ष पौडेल देश के संकट के भूमरी से बचाव के लिए समृद्धि आ समाजवाद के यात्रा के अगाड़ी बढ़ाब के लिए आगामी चुनाव के बाद ओली नेतृत्वक एमाले सरकार बनब पड़बाक जिक्र कलने। बृहस्पति दिन रूपंदेही के क्षेत्र नंबर 5 में आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेला में बजित हो एमाले के विजय के सुनिश्चित होब जोकर निर्वाचन के काम में खट स्थानीय नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन देने छलन। जीत अपरिहार्य छ। नेकपा एमाले को नेतृत्व में हामीले पार्टीबाट संस्थागत रूप में निर्णय गरेर हाम्रो पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष कमिटी उपाध्यक्ष पौडेल निर्वाचन में उम्मीदवारी देव बेर में ऊपर से किछ गलती भेल होब सकबाक कहित ओहि में चित्त नहीं दुखाब समेत पार्टी के स्थानीय नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह कयने छलन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी मोरंग क्षेत्र नंबर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार अभिनेत्री रेखा थापा अपन जन्म भेल ठाम में देखल गेल गलत प्रवृत्ति के अंत कर प्रत्यक्ष दिस निर्वाचन में खड़ा होब पड़ल धारणा रखलने। बृहस्पति दिन सुंदर हरैचा वड़ा नंबर 11 के मतदाता संघ के भेंट में हो समानुपातिक आसानी से सांसद बनबाक अवस्था भेला पर अपना जन्म भेल निर्वाचन क्षेत्र में देखल गेल गलत प्रवृत्ति के अंत करबाक लेल प्रतिनिधि सभा सदस्य में प्रत्यक्ष दिस उम्मीदवारी देने बतौलने। अभिनेत्री थापा मोरंग क्षेत्र नंबर 3 के घर परिवार सब अपन भेल कहित हुनका सब संग परामर्श कऽ कऽ एहि क्षेत्र के समस्या समाधान कर अपना लागल जेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयने। त्यस कारण म यहाँ आएको तब अर्को कुरा पनि भन्थ्यो महिलाले पाउने कोटा त जिल्लालाई थाहा होला होइन समानुपातिक भन्ने थाहा छँदैछ होइन म यसरी भेला नभइकन तपाईँहरूसँग नभेटिकन माननीय नै बन्ने मेरो उद्देश्य थियो भने म त्यहीँ बसेर माननीय बन्थेँ म तपाईँहरूसँग मलाई भेट्नु थियो तपाईँहरूसँग मलाई कुरा गर्नु थियो मलाई यो क्षेत्रको माटो र यो क्षेत्रको मेरा आफन्तहरू 3 नम्बर क्षेत्र मोरङको सबै मेरा आफन्तहरू यहाँ यो घर बेटी जो हुनुहुन्छ यो घरको जो उहाँ मेरो रगतले पनि आफन्त हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै परिवारभित्रको मान्छे जस्तै यो 3 नम्बर क्षेत्रको हरेक घर हरेक अभिनेत्री थापा महिला सब नेतृत्वमा पहुँचला पर देश के भ्रष्टाचार अपने समाप्त होबाक दावी कयने छलन। पछिल्का 24 घण्टामा देशभर 51 गोटेमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 1786 गोटे में कैल गेल नमूना परीक्षण में 51 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल तेना वह समय में 21 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भगल नेपाल में अखन 622 गोटे कोरोना सक्रिय संक्रमित सब बलात्कार आरोप में पकड़ायल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने के और 5 दिन हिरासत में रहकर अनुसंधान कर अदालत अनुमति दिलक जिला अदालत काठमांडू देने 7 दिन के म्याद पूरा भेला बाद
आओर पाँच दिन के अनुसंधान के लिए समय उपलब्ध कराने बीतल भादो पाँच गते 17 वर्षक नाबालिग ऊपर बलात्कार केने आरोप लागल संदीप के आसिन 20 गते प्रहरी पकड़ने आ बीतल सोम दिन अदालत में उपस्थित कराने अनुसंधानक काज पूरा नहीं भेल कहित नेपाल प्रहरी और 7 दिन के समय मांग केलो पर अदालत 5 दिन के म्याद देने अधिवक्ता सरोज घिमिरे बतौलने वो ई मुद्दा एक व्यक्ति संग मात्र नहीं भ संस्था संग सेहो संबंधित रहला से फास्ट ट्रैक में निष्कर्ष लगाव 3 दिन के म्याद मात्र बढ़ाव आग्रह केलो पर अदालत 5 दिन के म्याद देने बतौलन। क्योंकि दिन तो 20 पकड़ा पड़े दिन बाद 7 दिन तो नहीं गई सकते अवस्था है अभी ते पड़ी फिर वहाँ को बयान लिने क्रम करीब करीब आधा जी सीधी सकते अवस्था में 7 दिन धेरे लमो हो केसला अलग प्रायोरिटी भन्न खोजे क्योंकि इसलिए एटा व्यक्ति मात्र इंस्टिट्यूशन स्टेटसम रिलेवेंट 17 वर्ष किशोरी बलात्कार अभियोग लगौला बाद अनुसंधान के लिए संदीप के आसिन 20 गते नेपाल अला पर विमानस्थल से पकड़ाव कल गए काठमांडू गौशाला स्थित एक होटल के कोठली में रहकर संदीप बलात्कार केने आरोप में किशोरी भादो 21 गते प्रहरी वृत्त गौशाला में मुद्दा देने संदीप तहिया कैरेबियन लीग क्रिकेट खेल रहल छलन। काठमांडू के सोराखुट्टे में बाउंसर ऊपर दबैया प्रहार के आरोप में गिरफ्तार कल गए 8 गोटे के पुलिस सार्वजनिक कलक जिला परिसर काठमांडू पत्रकार सम्मेलन का गत आसिन 25 गते काठमांडू के सोराखुट्टे में बाउंसर ऊपर दबैया प्रहार करे वाला 8 गोटे के जान मारे के उद्योग करवाक नहीं चाही कसूर में गिरफ्तार क पुलिस सार्वजनिक ने बताओल गए प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बोहरा अनुसंधान के क्रम में उनका सबके काठमांडू के विभिन्न स्थान में नुका कर रहल अवस्था में गिरफ्तार कल गए बतौलन। बाके के कोहलपुर में जुआ ताश खेल रहल अवस्था में 12 गोटे पकड़ा गए कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 11 न्यू रोड स्थित मैक्स होटल में जुआ ताश खेल रहल अवस्था में वही नगरपालिका के 35 वर्षक उपेन्द्र राणा लगात 12 गोटे के बृहस्पति दिन गिरफ्तार कल गए होटल में जुआ ताश खेल रहल सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर से खटल प्रहरी ओकरा सबके साथ सा नगद 231,180 रुपया आ 6 गड्डी ताश सहित गिरफ्तार कलक संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान कर रहा जनाओल गए। मकवानपुर प्रहरी नशीला पदार्थ गांजा सहित 3 गोटे भारतीय नागरिक के पकड़लक भारत मोतिहारी बलही के 35 वर्षक रमेश माझी के संग से 3.5 किलो हरिंद्र माझी के संग से 4 किलो आ दिलीप माझी के संग से 5 किलो का 12.5 किलो गांजा सहित उनका सबके गिरफ्तार कल गए सबके मनहरी गांवपालिका वार्ड नंबर 8 सिमपानी से पुलिस पकड़लक बागमती प्रदेश 03001 1318 नंबर के गाड़ी में राक्सिंग रांग से मनहरी दिश जा रहा बेर में 3 गोटे के गिरफ्तार कल गए संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी एन समय में संशोधन कर नहीं सकला से सरकार कठिनाई में पड़ल सरकार एन संशोधन कर नहीं सकला से नेपाल वित्तीय कार्यवाही कार्यदल FATA आ एशिया प्रशांत समूह APG के ग्रेड लिस्ट में पड़ल से सरकार कठिनाई में देखल गए संपत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलाप में होब सकबाक वित्तीय लगानी निवारण कर नेपाल सरकार द्वारा संपत्ति शुद्धिकरण एन संशोधन करब जरूरी रहल देखल गए नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व गवर्नर चिरंजीवी नेपाल संपत्ति शुद्धिकरण के विषय में नेपाल कठिनाई स्थिति में रहल धारणा रखल सरकार ने कि हे कसरी FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को हमी ग्रे एरिया माथि छो पहिला अब धेरै नियम कानुनहरू हामीले बनाउनु छ जसले गर्दा त्यो नियम कानुनहरू अहिले संसदमा अड्के आइरहेको संसद पनि बन्द भयो अगाडि नै बढेन किनभने संसदमा अत्यधिक प्रभाव छ। तहिना पूर्व कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला बितल सही दिन मन्त्री पद स राजीनामा देव कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में संपत्ति शुद्धिकरण निवारण एन संशोधन नै भेला पर FATA आ APG के ग्रेड लिस्ट में पड़ सकबाक संभावना रहल धारणा रखने छलन अवस्था में रहकर मूलुक में पर्द ब्लैक मनी व्हाइट मनी कराने भाषा मनी लॉन्ड्रिंग संग हमीस स्ट्रोंग लीगल फ्रेमवर्क नाखे को अवस्था में टेरोरिज्म प्राप्त होने पैसा अथवा टेरोरिज्म क्रिमिनलाइज अलग वो सरकार द्वारा संपत्ति शुद्धिकरण निवारण संशोधन ऐन अध्यादेश मार्फत तत्काल आनल जेबाक बतौलने
गृह मंत्रालय पूर्व सूचना प्रणाली के सब क्षेत्र में प्रभावकारी बना बनी सकला से विपत जन्य जोखिम के समस्या बढ़ते गल कहित पूर्व सूचना प्रणाली के द्रुत विकास कर सरकार लायक पड़ल धारणा रख लगे बृहस्पति दिन अंतर्राष्ट्रीय विपत जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर में गृह मंत्रालय के सचिव विनोद प्रकाश सिंह एहन धारणा रखलने ऊ नेपाल में बाढ़ के लिए मात्र पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बेल पाओल गेलो पर आओर क्षेत्र में पूर्व सूचना प्रणाली के व्यवस्थापन आ कार्यान्वयन कमजोर रहल बतौलन सचिव सिंह बाढ़ से होबय वाला मानवीय क्षति कम भेलो पर धनजन के क्षति आओर कम कर नहीं सकल गेल धारणा रखने छलन तर अझ पनि जुन किसिमको धन अरू धनको क्षति अथवा बालीको क्षतिलाई रोक्न सकिएछ उसको त्यो अनियमित कारणले गर्दा हुने जनसङ्ख्यालाई रोक्न सक्ने स्थिति हुँदैन तर गृह सचिव सिंह सरकार के विपत्त प्रतिकारीय योजना के परिणाम अनुसार एहि वर्ष बीतल वर्ष के तुलना में बाढ़ से होबयवला मानवीय क्षति कम भेल धारणा रखने छलन गृह सचिव सिंह पश्चिमी क्षेत्र में अविरल बरसात के कारण भेल क्षति किछ स्थान में बस्ती सब दहायल अवस्था रहला से ओहि क्षेत्र के स्थानीय के थाय बसोबास के लिए मंत्रालय काज कर रहल धारणा रखने छलन जलवायु परिवर्तन के असर के कम कर तीन टा तह के सरकार में समन्वय आ सहकार्य रहल जेबाक चाही विज्ञ सब जोर देलन बृहस्पति दिन अंतर्राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर में विज्ञ सब विश्वभर जलवायु परिवर्तन के असर सब अकल्पनीय क्षति कर रहल कहित रोकथाम तथा न्यूनीकरण करबाक लेल नेपाल में तीनू तह के सरकार द्वारा समन्वयात्मक भूमिका में काज करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलन जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उपरेती जलवायु परिवर्तन के असर के कम कर तीनू तह के सरकार बीच सहकार्य आवश्यक रहल बतौने छलन अब यसलाई चाहिँ मोर फंक्सनल बनाऊ रोगलाई मोर कार्यान्वयनमा लैजानको लागि अब प्रविधिको जरुरी छ अनि पैसाको जरुरी छ फाइनान्सको जरुरी छ र त्यो हुनाले चाहिँ डिआरआर फाइनान्स स्ट्याटेजी पनि नेपाल सरकारले ल्याएको छ र यसमा चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर सबै सरोकारवालाको चाहिँ भूमिका यो सरकारको मात्रै नभएर सबै सरोकारवालाको भूमिकालाई विज्ञप्रति बेतल दस वर्षक तथ्याङ्क देख्लासँग नेपालमा सब विपदजन्य घटनाका कुल क्षतिमा आधा क्षति जलवायु परिवर्तनकै कारण भेल देखल गेल धारणा राख्न छलन बृहस्पति दिन चानी के मोल सामान्य घटल नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार बृहस्पति के सोना के मोल स्थिर आ चानी के मोल किछ घटल छापा वाला सुन के मोल प्रति तोला 94,200 रुपया में स्थिर है तेना चानी के मोल में तोला में 10 रुपया से घटिक 1190 रुपया तोकल गेल आब स्पोर्ट्स न्यूज राष्ट्रीय खिलाड़ी से भरल विभागीय टोली एपीएफ बृहस्पति दिन आयोजक गंडकी प्रदेश पर 9 विकेट के शानदार जीत निकाले सेमीफाइनल संभावना मजबूत बनौलक पोखरा रंगशाला में भेल खेल में गंडकी प्रस्तुत केने 27 रन के सामान्य लक्ष्य एपीएफ 106 बॉल बाकी रहले पर पूरा कर सफल भेल छल अगला खेल में संघर्षपूर्ण जीत निकालने एपीएफ अही संगे जारी प्रतियोगिता में लगातार दोसर जीत सेहो निकाल सफल भेल खराब लय से गुजर रहल गंडकी पहले बैटिंग करते 18.2 ओवर में संपूर्ण विकेट गुमाकर 26 रन मात्र बनौने छल गंडकी के कोनो खिलाड़ी दोब्बर आंकड़ा के योगफल तैयार कर नहीं सकल छल जीत संगे एपीएफ ग्रुप ए के शीर्ष स्थान में पहुंचल एपीएफ दू खेल में दू जीत हासिल करे 4 अंक जोड़ सफल भेल गंडकी प्रदेश में भ रहल नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के पुरुष फुटबॉल खेल में शुक्र दिन गैरावासीय नेपाली संघ एनआरएनए आ बागमती प्रदेश विजय शुरुआत कलक पोखरा के यामदी स्थित गोस्तेघाट खेल मैदान में बृहस्पति दिन से शुरू भेल खेल में एनआरएनए प्रदेश एक के 2-0 अंतर से पराजित केला पर दिन के दोसर खेल में बागमती प्रदेश समेत मधेश प्रदेश ऊपर समान 2-0 के जीत निकालित प्रतियोगिता में विजय शुरुआत केलक नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत हैंडबॉल देश के प्रतिस्पर्धा में बृहस्पति दिन गंडकी प्रदेश के महिला तथा पुरुष दुनू टोली अंतिम 4 में प्रवेश कलक बृहस्पति दिन भोर में नेपाली सेना के त्रिभुवन आर्मी क्लब आ गंडकी बीच के प्रतिस्पर्धा बराबर में संपन्न भेल रहितो गोल अंतर के आधार में गंडकी आ आर्मी अंतिम 4 में प्रवेश कलक पोखरा रंगशाला बहुउद्देशीय कवर्ड हॉल में भेल प्रतिस्पर्धा में 27-27 गोल के बराबरी खेलित अंक बांटल गेल छल लेकिन अंतिम खेल खेल के लेल दुनू टोली ऐसा आगू समान 3-3 खेल में जीत दर्ज कयने छल
नवम राष्ट्रीय खेलकुद प्रतियोगिता अंतर्गत फेन्सिंग के तेसर दिन 11 स्वर्ण पदक के निष्कर्ष लागल महिला फोयल इवेंट टीम के प्रतिस्पर्धा में बागमती प्रदेश के पराजित करित सशस्त्र प्रहरी बल स्वर्ण पदक जीतलक नेपाली सेना के त्रिभुवन आर्मी के 45-41 स्कोर में पराजित करित फाइनल प्रवेश कने बागमती सशस्त्र संघ पराजित होत रजत में चित्त बुझौलक सशस्त्र पुलिस गंडकी प्रदेश के 45-15 स्कोर में पराजित करित फाइनल प्रवेश कलक गंडकी आ त्रिभुवन आर्मी कांस्य पदक में चित्त बुझौलक पुरुष टीम शेवर दिश के स्वर्ण पदक प्रतिस्पर्धा के त्रिभुवन आर्मी जीतलक शुक्र दिन से पोखरा में औपचारिक रूप में शुरू होवला नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपक के सदस्य सचिव टंकलाल घिसिंग बतौने बृहस्पति दिन पोखरा में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करित सदस्य सचिव घिसिंग बेमौसमी बरसात के कारण तैयारी में किछ समस्या उत्पन्न भेल रहितो अपना सब मौसम के चुनौती पार करित तैयारी पूरा केने बतौलने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के अस्वस्थता के कारण उद्घाटन के लिए उपराष्ट्रपति नंद बहादुर नंदकिशोर पुन के निमंत्रणा देल गेल आ उपराष्ट्रपति बृहस्पति दिन पोखरा आबि गेल हुनक कहब छलनि राष्ट्रीय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्नताको सन्दर्भमा आइपुगेको छ यसको सम्पन्नता मैले यस अर्थमा भन्यो कि उद्घाटन यति बेला सदस्य सचिव घिसिङ राष्ट्रीय खेलकुदमे सब सर्वसाधारण सबके रङ्गशाला प्रवेश खुल्ला के आल्जबाक जानकारी देने छलनि अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से देवा सरकार द्वारा जसपा के संघीय मंत्री सब बर्खास्त 4 मंत्री के हटाल गेल मंत्री हटेबाक निर्णय के प्रभाव मंत्री सरकार में पड़ल जसपा समेत कांग्रेस माओवादी अनेक उपाय के मंत्री सबके हटाए रहा राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने कहित नागरिकता विहीन सब द्वारा सर्वोच्च में ज्ञापन पत्र पेश अपना के षड्यंत्र पूर्वक उम्मीदवार नहीं बनौने एमाले नेता डॉक्टर रावल के आरोप आ नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत महिला क्रिकेट में बृहस्पति दिन एपीएफ के जीत गंडकी 9 विकेट से पराजित अपन न्यूज एखन के लिए लेतबा पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह नमस्कार।